सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। 400 शब्द 80 दी स्पीड दे उत्ते, 200 शब्द पहलां बोलांगे, 200 शब्द 1 मिनट दी ब्रेक तों बाद बोलांगे। दोने पहरे जी अलग अलग ने, ध्यान नाल करना, ठीक है जी। रेडियो करिए स्टार्ट। हाँ जी स्टार्ट। अज कल खेतीबाड़ी विच विज्ञान दी वरतों इस हद तक वध गई है कि इसका तकनीकी पद्धर किसी भी तरह मैडिकल नालों घट नहीं है। डंडी खेती माहिरां वल्लों वधीक उपज वालियां किस्मां ते खेती दे नवें विकसित ढंगां दी काढ़ अते जिमीदार भरावां दी मेहनत दे सदके पंजाब विच फसलां दी खेती विच हरा इनकलाब आया है। डंडी इस नाल ना सिर्फ फसली चक्कर ही बदल गए हन, सगों फसली घनता भी वध गई है। डंडी इस विच कोई शक नहीं है कि वक वक फसलां दियां वधीक उपज देन वालियां किस्मां तां ही ज़्यादा चाड़ दे सकदियां हन जेकर उन्हां संबंधी कीतियां खेती सिफारशां दी सही रूप विच पालना कीती जावे। डंडी खेती डीलरां नूं लाइसेंस देन लई कोई भी विद्यक योग्यता जां सिखलाई निर्धारित ना होण करके इन्हां वल्लों दित्ती गलत अते गैर विज्ञानिक जानकारी कारण कई वार जिमीदार भरावां नूं काफ़ी नुकसान उठाउणा पैंदा है। डंडी वध तों वध झाड़ लैण लई जरूरी है कि इन्हां कीमती पदार्थां दी सही मात्रा विच सही समें अते सही ढंग नाल वरतों कीती जावे। डंडी इस लई लोड़ है कि इन्हां पदार्थां दी सप्लाई दे नाल नाल सही वरतों संबंधी जानकारी भी जिमीदारां नूं उपलब्ध करवाई जावे। डंडी सप्लाई करन समें स्टॉप। एक मिनट जी, तुहाडे कोले इस पैरे नूं रीड करो। स्टॉप। हाँ जी रेडी स्टार्ट। पूर्वी यूरोप तो लोकतंत्र दी जेहड़ी लहर शुरू होई सी ओहो हुण सारी दुनिया विच फैलदी जा रही है। डंडी नेपाल विच ही शाही हुकूमत खत्म हो चुकी है अते जनता दी चुनी हुई सरकार देश दा काम काज चला रही है। डंडी इस दा प्रभाव हुण गुआंडी देश भूटान ते भी पैना शुरू हो गया है अते उत्थों दी जनता ने भी लोकतंत्र दी आवाज़ बुलंद कर दित्ती है। डंडी भूटान दी सरहद उत्ते एक छोटा जिहा आजाद देश है जिस दी सरहद नेपाल सिक्किम ते चीन नाल लगदी है।
ਡੰਡੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੂਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਲੋਕ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭੂਟਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਟੋਪ।